हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वक्त हैं हम मुंबई में और अभी हम जा रहे हैं महाराष्ट्र की मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस जो है लोनावला। लोनावला से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बट वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ जाके हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ये आ गई हमारी गाड़ी। क्या हाल है राम भाई? मजे में सर। मजे में हो? जिन लोगों को भी मुंबई में टैक्सी या कैब की रिक्वायरमेंट है वो राम भाई से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगा। सेंट्रल मुंबई से लोनावला का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, जिसको कवर करने के लिए लगते हैं 2 से 2.5 घंटे। गाइस, हम लोग पिछले 20 दिन से मुंबई में हैं और पिछले 20 दिन से मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी भी आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। अगर यही हाल रहा तो जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे घूमना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। गाइस, ये जो आप सामने देख रहे हो ये है अटल सेतु जो अभी अभी बना है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो गया, कहाँ पे खत्म होता है राम भाई? सर, ये शिवड़ी से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, और JNPT में जाके खत्म हो जाता है। ये 20 किलोमीटर का है नॉन स्टॉप। 20 किलोमीटर का? हाँ। और कितने दिन पहले बनाए? अभी 3 महीना हो गया। गाइस, ये देखो जो आप लेफ्ट में नीचे देख रहे हो ये सारा समुद्र है। एक्चुअली वीडियो में दिख नहीं पा रहा होगा क्योंकि जो बादल है उसका कलर भी सेम है। ये देखो दोस्तों, ये है यहाँ का सबसे पहला टोल। ये उल्वे का टोल प्लाजा है और यहाँ की फीस है 250 रुपए। गाइस, ये देखो ये है इस रास्ते की पहली सुरंग। और देखो कैसे, मतलब ऊपर पहाड़ है उसके बीच से काट के सुरंग बनाई गई है। गाइस, ये है इस ट्रिप की सेकंड सुरंग, बट ये पुरानी वाली से थोड़ी छोटी है। दोस्तों, ये यहाँ का सेकंड टोल प्लाजा है इस रोड का, खालापुर टोल प्लाजा। और यहाँ की जो फीस है वो है 240 रुपए। अभी हम लोग रुके एक फूड कोर्ट पे क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है। यहाँ पे KFC है, सबवे है, हल्दीराम से जितने भी बड़े बड़े आउटलेट होते हैं फूड आउटलेट वो यहाँ पे सारे हैं। यहाँ आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। बेसिकली हम तीनों ने मंगाया है KFC और भानू ने मंगाया है वेज सबवे। तो दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है, अब करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। यहाँ से लगभग आधा घंटा और दूर है जहाँ हमें जाना है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बारिश और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। गाइस देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ कितनी मस्त लग रही है। देखो
यहाँ पे इतने सारे छोटे छोटे वाटरफॉल गिर रहे हैं, देखो और ये वाला देखो, ये सबसे बड़ा है अभी तक का। गाइस एक बार ये व्यू देखो, कितने सारे वाटरफॉल और बीच में सुरंग है जिसके हमें निकलना है, जिसके अंदर से। ये देखो मतलब अल्टीमेट व्यू। गाइस एक बार मौसम देखो, मतलब कितनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है और विजिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा लो है। देखो चारों तरफ फॉग ही फॉग है। फाइनली हम लोगों ने लोनावला में एंट्री कर ली है और जैसे एंट्री करी वैसे ही हमको मिला है जाम। एक्चुअली आज वीकेंड है तो सब लोग यहाँ पे लोनावला घूमने आ रखे हैं। अभी हम लोग कन्फ्यूजन में हैं कि डायरेक्ट होटल जाके चेक इन करें या फिर अभी घूमने निकल जाए। एक्चुअली बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि समझ ही नहीं आ रहा कि घूमे कैसे। तो जैसा भी होता मैं आपको बताता हूँ। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद हम होटल ही जाएंगे डायरेक्ट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम डायरेक्ट होटल ही जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ना ढंग से घूम पाएंगे ना ढंग से वीडियो बना पाएंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे आसपास कोई अच्छा सा होटल और फिर करते हैं चेक इन। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच चुके हैं और भानु और दीपक अभी अंदर गए चेक इन कराने के लिए। इस वीडियो को मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि ना मेरे फ़ोन में बैटरी है और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन चल रही है। आई विश ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।